हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पब्लिक ओपिनियन में। तो गाइस देखो, आज अभी तक हमने जो सलार मूवी है उसका फर्स्ट हाफ देख लिया है एंड अब मूवी को देखते हैं इंटरवल के बाद ये मूवी कैसी पकड़ बनाती है। इंटरवल इतना लाजवाब लगा मेरे को एंड में जो एक्शन सीक्वेंस थे इस मूवी के, बड़े ही कमाल के एक्शन सीक्वेंस है यार, अभी तक हमने जितना मूवी को देखा है। और यार मेरे को तो पता नहीं यार पब्लिक क्या चाहती थी इस मूवी को, इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाई गई इस मूवी में। मैंने अभी तक देखा इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं लगा यार मेरे को इस मूवी में अभी तक, जितनी हमने मूवी देखी है कि कुछ मूवी का कहते नहीं गलत सीन हो या कुछ भी नहीं। स्टोरी टेलिंग एक कहते नहीं यार, एक पोर्शन है जो मूवी का वो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो अभी तक मैंने जितना मूवी को देखा एंड मुझे अच्छे से क्लैरिफाई भी हुआ मूवी को एंड कहते नहीं एक बिल्डअप जो दिया गया है इंटरवल के टाइम पे मूवी को, वो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एक कहते नहीं सिचुएशन क्रिएट कर देता है, एक इंटेंसिटी क्रिएट कर देता है कि जफर बास का एक असली नाम देवा सलार देवरथा जो उनका नाम रिवील होता है, तो उसमें जो एक इंटेंसिटी एंड वर्ल्ड प्ले के साथ जो प्रभास का नाम रिवील किया जाता है स्क्रीन पे दिखा के, बड़ा ही एक लाजवाब सीन था वो मूवी का। तो आगे देखते हैं गाइस एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे देखने के लिए कि खान सार एंड उसका क्या कनेक्शन है, ये सब किस तरह जुड़ते हैं आपस में। तो चलिए आगे देखते हैं मूवी को और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और खासकर यार जो प्रभास अंदा के फैन है ना भाई वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलिए गाइस देखते हैं मूवी को आगे, लेट्स स्टार्ट। कहानी सुनोगी भाई? हम तो सुनेंगे, कहानी को आगे सुनना चाहते हैं। ये कहानी हजारों साल पुरानी है, महमूद हजारों साल पीछे खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। 1127 में वो बस्तियों को सिर्फ लूटते ही नहीं, उन्हें कब्रिस्तान बनाते थे और लूट का सारा माल वो खानसार ले जाते। अब खानसार एक्सप्लेन किया जा रहा है भाई। समंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल जहां उन डाकुओं के तीन कबीले थे, मन्नार कबीला, मन्नार, शौर्यांगा कबीला, शौर्यांगा कबीला और घनियार कबीला। घनियार कबीला बिना किसी चुनौती के तीनों कबीले बढ़ते गए और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। 1747 में आ चुके हैं। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया और भारत पर भी अपनी हुकूमत जमा ली, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। ओ भाई, ये भी बताया उसमें अंग्रेजों ने सारी दुनिया पर राज किया लेकिन खानसार पे नहीं। उन्हीं की फौज थोड़ा रियल इंसिडेंट से इंस्पायर लग रही है मूवी। आजादी के बाद नए देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, खानसार, उसका क्या किया जाए। खानसार भी यार एक देश की तरह है। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे। ओ भाई, इंडिया से भी बड़ी सिटी, जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, कंट्री, मतलब यार फेक करेंसी, अलग से एक कंट्री है भाई। था उसमें खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था, ये सब उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून उन तक ना पहुंचे इसलिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ही काबू में ले लिया। दहशत, थोड़ा थोड़ा ना केजीएफ की वाइब भी दे रहा है ऐसे जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। बट दिखाने का तरीका अलग है भाई। धीरे धीरे लोग खान कलर ग्रेडिंग वगैरह उसी तरह की है। डर की बुनियाद पर खड़ा था ये सारा कारोबार और इसमें सिर्फ मुनाफा था। शिव मन्नार अपने कबीले के वायलेंट नेचर से वाकिफ थे। जैसे अच्छा, जो जहां से पीढ़ी स्टार्ट होती है वो यार बिल्कुल पृथ्वीराज की तरह लग रहे हैं। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू थी। उस किताब का नाम रखा निबंधन। अच्छा, जैसा संविधान की किताब होती है। 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों के तीन दर्जे थे। कापर, एक वोट की ताकत वाले 61 नायक। सरदार, 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक। यार बड़ा ही एक कहते हैं रिसर्च करके बनाया गया है। शिव मन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित किया।
फिर एक दिन शिवमन नार की मौत हो गई। 1985 में डेथ हो गई। तीनों कबीले के समझौते के हिसाब से शिवमन नार के बाद शौर्यांगा कबीले के नायक धारा को खानसार का कर्ता बनना था। नायक धारा को। लेकिन राज मन्नार का अपने पिता की गद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। राज मन्नार, जगपति बाबू, शौर्यांगा कबीले को ही जड़ से मिटा दूंगा। क्या उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे? एक ही तरीका है शौर्यांगा को खत्म करने का। आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सबको नींद में मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ओ भाई, अगर एक भी बच गया, इंटेंसिटी देख रहे हो शोर्स में, शौर्यांगा का बदला भयानक होगा। ब्लडी यार, भाई सही में डट बोला गया उनको। ओ भाई, मूर्ति तोड़ दी यार उनके कबीले की। उस दिन शौर्यांगा कबीला जड़ से खत्म हो गया। और इस कत्लेआम के बाद सबने राज मन्नार के सामने घुटने टेक दिए। चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर एक खतरनाक फौज खड़ी करके उसने खानसार को बेहद ताकतवर बना दिया। ₹2010 में आ चुके हैं कोटगाड़ा। राज मन्नार ने 61 कापरों के अलावा 8 सरदार वाले औहदों में से 5 घनियारों में बांट दिए, जो थे वाली, गुरुंग, चीका, रंगा और नारंग। बाकी बचे 3 पद अपने ही परिवार में बांट दिए। ओ, राजमन्नार की पहली बीवी का भाई भारवा राजमन्नार का दामाद, रुद्रा राजमन्नार की पहली बीवी का बेटा, राधा दो बीवी थी उसकी, राजमन्नार की पहली बीवी की बेटी, राजमन्नार का गौरव, राजमन्नार की शान। कापरों और सरदारों के बीच काफी मतभेद होने के बावजूद डर के मारे राजमन्नार के खिलाफ कोई नहीं गया। जो लोग सदियों से खून खराबा करते आए थे वो 25 सालों से काबू में रहे उस दिन तक। क्या ये सच है? आप खानसार से बाहर जा रहे हो? अगर जरूरी है तो मैं जाऊंगी। मंदिर बनाए जाते हैं धर्म फैलाने के लिए। राज्य चलाए जाते हैं परंपरा बढ़ाने के लिए। यार जगपति बाबू का लुक है यार भाई, फैलाने के लिए दहशत। मैंने अभी तक डर बनाए रखा है ताकि कोई चुनौती ना दे पाए। अब ऐसा कौन कर रहा है बाबा? मैं वही पता करने जा रहा हूँ। ओ भाई, तक मैं ना लौटूं खानसार तुम्हारी जिम्मेदारी है रमा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम संभाल लोगी। ठीक है बाबा। कनेक्शन बहुत आगे है, यही क्ल्यू है यार। सबसे पहला तो ये कहां पे जा रहे हैं, कैसे पता लगेगा इनको? इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, पर आपका दामाद होने के नाते मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप उसे माफ करेंगे? किसे? आपके बेटे वर्धा को। वर्धा, क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? अच्छा अच्छा वो प्रभास के लिए मेहनत था उन्होंने दिए हुए मोल को उसने जाया कर दिया। वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। तब वो सिर्फ 10 साल का था। तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि आपसे इस विषय पर बात करने के लिए किसी के पास भी हिम्मत नहीं। क्योंकि खाने की मेज पर आप आज भी वर्धा के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं, और आपके पिता शिव मन्नार को आप जब भी देखते हैं तो आपको सिर्फ वर्धा याद आता है। वो भी आपका खून है करता। जो इज्जत रुद्रा को मिलती है वो उसे भी मिलनी चाहिए। 30 साल से इसी कुर्सी पर शासन कर रहा हूं,
आज तक सारे निर्णय खानसार के लिए ही लिए हैं। आज पहली बार एक निर्णय मैं अपने लिए लेना चाहता हूं। तुम्हारी कुर्सियों में से एक कुर्सी चाहिए। तू एक ही है जो बिना हिचकिचाए मुझे कुछ भी देगा, इसलिए तुझसे मांग रहा हूं रंगा। अच्छा ये रंगा यार करैक्टर बहुत है भाई, मैं तो नाम भी भूल गया। वर्धराज मन्नार को बस मेन में नहीं याद रह रहे यार, वर्धा राज मन्नार को। वर्धा राज मन्नार ओ भाई का बेटा, पृथ्वीराज के लुक देखो यार, वो सरदार नहीं बन पाया। उसका पद कापर का होते हुए भी रॉब हमेशा सरदार का रहा। देगा ना रंगा? आप मांगिए मत करता, आदेश दीजिए। मैं कुछ जरूरी काम से खानसार से बाहर जा रहा हूं। लौटने से पहले वर्धराज मन्नार को सरदार बनाने का जिम्मा पूरा करना है। बले अनाउंस करके चले गए यार। ओ भाई शॉट देखा यार, कितना मतलब बड़े लेवल में शॉट लिए गए मूवी के, खर्चा दिख रहा है यार मूवी में। बैठ ले भाई थोड़े दिन और। इतने लोगों तिन्नु अनंत तेरी कुर्सी ही क्यों मांगी जानता है रंगा? तू गरुड़ा है छोड़। पच्चीस साल पहले जो कड़ा उसने जमीन पे फेंका उसे लेके तेरा बाप सरदार बना तो उसे जीत। अच्छा वो उसका बाप था, किसी कुत्ते को हड्डी फेंक के वापस चीनने की तरह। मेरा बाप जीता था, जान मांगते तो दे देता, कुर्सी कैसे दूं? चल छोड़ दे। छोड़ पाएगा क्या रंगा? करता राज मन्नार का आदेश कैसे टाल सकते हैं? राज मन्नार की आज्ञा से ज्यादा एक और बड़ी आज्ञा है, खानसार का निबंधन। उस किताब में एक नियम सबसे खास है, बलवान का ही राज्य, बलवान की कुर्सी। हाँ। तेरी नफरत अब पैदा हुई है, लेकिन रुद्रा की नफरत वर्धा की पैदाइश से है। तुम पे इतना प्यार दिखा रहा हूँ, सोच रहे होंगे मेरा क्या फायदा? आज तेरी कुर्सी मांगी है, कल मेरी मांग सकते हैं, लेकिन निबंधन में ऐसा। ये मेरे को लग रहा है ना भाई कुछ और, तू मुझे फूट डाल रहा है, ये गेम खेल रहा है इनके साथ से, ये मेरे को लग रहा है। बलवान का ही राज्य, बलवान की कुर्सी। अभी तक जो देखा है ना भाई, सभी अपने अपने में लगे हैं। मुझे यकीन एक गद्दी के लिए लड़ रहे हैं अभी तक तो। पंडित को बुलवाया है। पंडित को? राज मन्नार के लौटते ही वर्धा सरदार बनेगा। मेरा भाई सरदार है। राज मन्नार के लौटने से पहले अगर वर्धा ही ना रहे तो। ओ भाई ये फूट डाल रहा है बंदा, कुछ लग रहा है मेरे को उसमें डाउट यार। बलवान का ही राज्य, बलवान की ही कुर्सी। गोंडा डाक नहीं, पठारन सॉरी पाथर। ओ भाई रंगा, तुझे सिर्फ उसका सर लेना है यार। एक तरह जो खोल वाले सीन है ना भाई, रोंगटे खड़े कर देता है इनको जब भी देखता हूं।
ये क्या हुआ भाई? निबंधन। अच्छा अलार्म बजा दिया ना निबंधन, मतलब यार ये खिलाफ नहीं जा सकते। शुक्र भाई, हालांकि मैं जान अटक दी यार, मैं पृथ्वीराज के मार ही देंगे अभी। इससे रोका मुझे। ए ओ भाई, अच्छा वो इन्हें संभालने के लिए देखे गए ना राजू पीछे से। मन्नार के दरबार में खड़े हो, उनकी गैर मौजूदगी में भी जबान पे लगाम रहे, आवाज नीची। मैं नहीं रोका तुम्हें भाई सा। यार इनका नाम भूल गया मैं, बटना बड़ा ही एक गजब किरदार है इनका इस मूवी में। अगर मेरा फैसला होता तो अब तक तुम लोगों की सर कट चुके होते। बली अम्मा, आज से खानसार के सरदारों और कापुरों के बीच हो रही इस वायलेंस को रोकने के लिए सीज फायर का ऐलान करती हूँ। आज से धर्मकर्ता के आदेश के। अच्छा सीज फायर एक कानून है इसमें, सीज फायर लागू होती है। ओ भाई निबंधन, खानसार का निबंधन सबके लिए एक जैसा होता है, किसी भी हाल में कर्ता से भी बिड़ने का हक वो किताब सबको देती है। मैं रुद्रराज अमन्नार, एक सरदार, सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता हूँ। ओ भाई ओ भाई मेरे कानून बड़े हैं, मतलब यहाँ पे तो ये है कहते ना बलशाली आम आदमी है ना, वो बलशाली जिसमें तो भाई देखो ये सीन काफी जबरदस्त लगा मुझे इस मूवी का। आई मीन जैसे इंटरवल के बाद ना मूवी का जो ये सीन है इसमें थोड़ी मूवी डाउन हो जाती है। एंड मतलब ये है ना जैसे जो खान सर हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे थे वर्ल्ड क्या कनेक्शन हो सकता है, तो उसको खान सर को ना डिस्क्राइब किया गया है इसमें कि जो खान सर है आई मीन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड कैसे वो इतनी बड़ी कंट्री एंड एक वायलेंस मैन कंट्री पावरफुल बना। और जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि खानसर एक छोटा सा राज्य होता है जहाँ पर तीन कबीले वाले लोग रहते हैं, आई मीन जैसे कि मन्नार ट्राइब, सुरंगा ट्राइब, घनियार ट्राइब। तो इन तीन कबीलों का एक ही सरदार होता है। और यार फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि अंग्रेजों ने भाई पूरी दुनिया पे राज किया, भारत पे भी राज किया, बट वो खानसार में पैर तक नहीं धर पाए, तो मतलब खानसार में उनका राज नहीं चला। और फिर यार दिखाया जाता है मूवी में जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो उन तीनों कबीलों के सरदार थे सिंह मन्नार वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे जाके वो भारत का जो मैप होता है उसमें से खानसार के नक्शे को मिटा देते हैं कि खानसार नाम का कोई राज्य नहीं है। और वहाँ पे जाके जो वो बोलते हैं कि खानसार पे भारत का कोई भी रूल या संविधान नहीं लागू होगा, बट खानसार के जो रूल एंड संविधान है वो भारत पे जरूर लागू होंगे। तो मतलब ये यार थोड़ा हंसी वाली भी बात है मेरे लिए। और उसके बाद दिखाया जाता है कि भारत में जितने भी ड्रग्स, वेपन, जितने भी काले कारनामे होते हैं उनमें खानसार का एक फिक्स हिस्सा हो जाता है, उनका एक शेयर डाल दिया जाता है कि इतना हिस्सा हमें आपको देना ही पड़ेगा इस चीज में। और फिर यार उनके जो सिमनार राजा थे तीनों कबीले के जो राजा थे उन्होंने इन स्थिति को देखते हुए एक खानसार का खुद का एक संविधान तैयार किया जिसे निबंधन बोला गया है इस मूवी में। और फिर यार कुछ सालों के बाद सिमनार की मृत्यु दिखाई जाती है कि उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद फिर निबंधन के जो निबंधन में लिखा हुआ है उसके दौरान सुरंगा ट्राइब के जो धारा होते हैं उनको राजा बनाना होता है। और फिर यार वो जैसा मूवी में दिखाया जाता है कि जो सिमनार का बेटा होता है राजा मन्नार वो अपने अपने जो पिता की गद्दी है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो यार ये सब देखते हुए जो बाकी के दो कबीले रह जाते हैं उनको मारने की कोशिश करता है, उनका नामो निशान मिटा देता है वो, जैसा कि मूवी अभी तक दिखाया गया है। और यार उन सभी को मार के खानसार पे कहते नहीं अपने अंडर ले लेता है खानसार को एंड अपने आप को राजा घोषित कर देता है वहां का। और उसके बाद दिखाया जाता है कि
जो राजा मन्नार है उसकी दो बीवियां होती हैं, और उसके बाद जैसे हमें एक बचपन में जो सलार मूवी में बचपन में सीन दिखाया गया था कि जो वर्धा राज मन्नार होता है वो अपने आई मीन प्रभास के लिए अपने गद्दी को त्याग देता है बचपन में ही, तो उसको देखते हुए आई मीन इतने सालों तक वो जैसे दिखाते हैं ना कि आपने अभी तक उसकी प्लेट रखते हो, आई मीन उसकी यादों में अभी भी इतना टाइम गवा रहे हो आप। और फिर यार वो खान सर के जो आई मीन किसी काम से बाहर जाने वाले होते हैं, आई मीन खान सर के किसी जरूर काम से, और उससे पहले वो जाने से पहले एक अनाउंसमेंट करके जाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि जो मेरा बेटा है वर्धा राज मन्नार, मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी कुर्सी पे वो बैठे। और यार फिर उनके जो जमाई होते हैं आई मीन उनमें लोगों में फूट डालने का काम करते हैं, और उन फूट के मुताबिक जैसे उनमें ना एक कहते नहीं वो सोचते हैं कि अगर हम उसे राजा बनने से पहले ही वर्धा राज मन्नार को मार दें तो वो उसके लिए आई मीन खानसार में वायलेंस वगैरह काफ़ी करते हैं। एंड उसको देखते हुए एक घंटी सी बजाई जाती है, भाई अलार्म बजा दिया जाता है, और उसको देखते ही वो ना पृथ्वीराज की जो एक नुकड़ आई मीन नाक में पता नहीं यार क्या डाल के रहते हैं वो, आई मीन उसको निकालने वाले होते हैं, और तभी एक आई मीन घंटी बज जाती है, अलार्म बज जाता है। तो उसको देखते हुए वो जहाँ पे राजा से लेकर बातचीत होती है तो वहाँ पे पधारते हैं, एंड वहाँ पे जाके जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है राजा की, तो उसको देखते हुए इतनी वायलेंस को देखते हुए वहाँ पे सीज फायर को लागू कर दिया जाता है। और उसके बाद जो राजा मन्नार सरदार होते हैं आई मीन जो निबंधन है जो उनका संविधान, उसको देखते हुए एक खुद ही स्टैंड लेते हैं कि मैं एक सरदार होने के नाते सीज फायर को हटाने के लिए एक प्रस्ताव रखता हूँ। और उसके बाद फिर वो अनाउंस करते हैं कि 9 दिनों के बाद आई मीन सीज फायर के लिए वोटिंग डाली जाएगी, और इसमें जिसमें ज़्यादा वोट होगी तो वो डिपेंड करेगा कि सीज़ फायर को लागू करना है या नहीं, या फिर सीज़ फायर को हटाना है। तो अब देखते हैं आई मीन अभी तक हमने यहाँ तक देखा है मूवी को, एंड अब आगे देखेंगे कि मूवी में ये सीज़ फायर कब तक रहेगा और कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन से। तो अभी तक हमने मूवी को यहाँ पर देखा है, और मुझे उम्मीद है कि यार आप सभी को ये सीन काफ़ी ज़बरदस्त लगा होगा। और कुछ लोगों को जैसे यार से आई मीन ये मूवी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया आप सभी को, आई मीन अगर वीडियो देख रहे हो तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये मूवी। तो मेरी आप सबसे भाई यही रिक्वेस्ट है, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और यार अपने ओपिनियन जरूर बताना इस सीन के बारे में एंड वगैरह वगैरह जो मैंने आप सभी को एक कहते नहीं एक शॉर्ट फॉर्म में जो मूवी से रिलेटेड बातचीत की आपके साथ। और आप कंटेंट भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे, तो मैं उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को प्यार से लाइक कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद। You're a legend.